नमस्कार, स्वागत है आपके इंडिया न्यूज हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान हुसैन। आइए शुरुआत करते हैं 50 मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। चुनावी साल में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस ने की शुरुआत, धर्मशाला पहुंची प्रतिभा सिंह। कांगड़ा जिला कांग्रेस कमेटी नव संकल्प शिविर में लिया भाग, विधायक विक्रमादित्य सिंह भी कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी रहे मौजूद। पूर्व सांसद चंद्र कुमार भी कार्यक्रम में होंगे मौजूद। चंद्र कुमार ने कहा कि आज जो भी विकास की किरण मिलती है वो राजा वीरभद्र सिंह की देन है, और कहा कि 16 जून को प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इससे साफ है कि 4.5 साल का समय बीत जाने के बाद अब भाजपा को कांगड़ा से प्यार आ रहा है। मंडी में प्रदेश स्तरीय लैपटॉप वितरण समारोह में बोले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, कहा कि हिमाचल प्रदेश की मौजूदा सरकार प्रदेश के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार के प्रयासों से आज प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में भी बच्चों को बेहतर शिक्षण सुविधा प्रदान की गई है। सीएम जयराम ने कहा कि प्रदेश में आज तक केवल एक ही विश्वविद्यालय कार्य कर रहा था, लेकिन अब मंडी में दूसरा विश्वविद्यालय बनने से आसपास के जिला के छात्रों को लाभ मिलेगा। बिलासपुर के घुमारवी विधानसभा क्षेत्र में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किए। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि घुमारवी ने क्षेत्र में 650 बच्चों को लैपटॉप प्रदान किए हैं। राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि घुमारवी ने क्षेत्र में 650 बच्चों को लैपटॉप प्रदान किए हैं और पूरे जिला में 1523 मेधावी छात्रों को लैपटॉप दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि 2 वर्षों के कोरोना काल के कारण यह लैपटॉप नहीं दिए जा सके और अभी नए प्रदेश सरकार के द्वारा मेधावी बच्चों को प्रदान किए जा रहे हैं। ज्यूरी के उनु महादेव मंदिर में गर्मी व सूखे से निपटने के लिए ज्ञान महायज्ञ का किया आयोजन। इस दौरान त्यावल प्राकृतिक जल स्रोत तक कलश यात्रा निकाली गई। मंदिर के महंत मस्तगिरी बिहार के पूर्व डीजीपी की अगुवाई में त्यावल प्राकृतिक जल स्रोत तक निकाली गई कलश यात्रा। इस दौरान अनु महादेव मंदिर परिसर में पत्थरों की नक्काशी से बनने वाले शिव मंदिर की रखी आधारशिला। युवा कांग्रेस के प्रवक्ता इफ्तिकार अहमद ने हमीरपुर में मंगलवार को मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए यंग इंडिया के बोल योजना के बारे में दी जानकारी। अहमद ने कहा है कि अब से हिमाचल में युवा कांग्रेस प्रवक्ता तैयार करेगी। इसके लिए बकायदा एक कार्यक्रम प्रदेश में चलाया जाएगा, जिसमें प्रतियोगिता के लिए 15 जून तक आवेदन करना होगा। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अहमद ने कहा है कि युवाओं को राजनीति में आने का मौका दिया जाएगा। इस इवेंट के माध्यम से प्रदेश और केंद्र सरकार के मुद्दों पर उठाने का एक मौका युवाओं को दिया जाएगा। मॉनसून के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सिरमौर प्रशासन तैयारी कर रहा है, जिसको लेकर डीजी सिरमौर रामकुमार गौतम ने विभिन्न विभागों को उचित दिशा निर्देश भी जारी किए हैं।
डीजी ने बताया कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिला के प्रत्येक उपमंडल में दो दो सर्च एंड रेस्क्यू टीमें हर समय एक्टिव मोड में रहेंगी ताकि समय रहते सभी आवश्यक प्रबंध पूरे किए जा सके। यानी प्रत्येक पंचायत में प्रशासन 20 वॉलंटियर तैयार करेगा। डॉक्टर राजीव बिंदल ने आज डाइट में आयोजित एक कार्यक्रम में नाहन विधानसभा के 100 विद्यार्थियों को प्रदेश सरकार की श्रीनिवास रामानुज स्टूडेंट डिजिटल योजना के तहत लैपटॉप का वितरण किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इसके साथ ही डॉक्टर राजीव बिंदल ने विद्यार्थियों को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रही है और कहा कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का स्तर अन्य प्रदेशों से भी काफी ऊंचा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमीरपुर के कार्यक्रम में भाग लेने के उपरांत देर शाम धर्मशाला पहुंचे। सीएम ने धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के सभी मुख्य सचिवों के साथ होने वाली बैठक स्थल की तैयारियों का जायजा लिया। बैठक स्थल की तैयारियों का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री का काफिला धर्मशाला के सर्किट हाउस के लिए रवाना हुआ। तो वही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि एक सप्ताह के भीतर ही देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल आएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 11 जून को अटल टनल के दीदार के लिए मनाली पहुंचेंगे। प्रशासन ने भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन को लेकर तैयारियां करनी शुरू की थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 11 जून को सुबह 11 बजे मनाली पहुंचेंगे। वहीं हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही लाहौल के सीसू हेलीपैड पहुंचकर अटल टनल का दीदार करने के लिए निकलेंगे। कुलू आशुतोष गर्ग ने बताया कि राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने भी बैठक करनी शुरू कर दी है। हाल ही में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री एवं आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रभारी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को आम आदमी पार्टी ने जिला मुख्यालय नाहन में विरोध प्रदर्शन किया। आपके प्रदेश प्रवक्ता मनीष ठाकुर के नेतृत्व में दर्जनों पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्य बस स्टैंड से लेकर शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए डीसी कार्यालय तक प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डीसी सिरमौर के माध्यम से राष्ट्रपति को इस मामले में ज्ञापन भी सौंपा। तुरंत हिमाचल प्रभारी सत्येंद्र जैन की रिहाई की मांग। ऑनलाइन फर्जी साइट से मंडी जिला के सुंदरनगर के एक ऑटो चालक को शॉपिंग करना पड़ा महंगा। ऑटो चालक ऑनलाइन घड़ी मंगवाने के चक्कर में 1399 रुपए की ठगी का हुआ शिकार।
ऑटो चालक ने सरकार और पुलिस प्रशासन से की मांग, इन ऑनलाइन फर्जी पर प्रतिबंध लगाई जाए ताकि कोई ठगी का शिकार ना हो। ऑटो चालक गोल्डी ने बताया कि उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूज थ्री साइट से ऑनलाइन घड़ी का ऑर्डर किया था। जैसे ही चार दिन बाद उसे घड़ी प्राप्त हुई तो उसने कैश ऑन डिलीवरी के माध्यम से डिलीवरी बॉय को 1399 रुपए दिए। जब ऑटो चालक ने उस घड़ी के डिब्बे को खोला तो उसे बॉक्स से मिलने वाली 10 से 20 रुपए के बच्चों की नकली घड़ी बरामद हुई। पिछले 30 वर्षों से हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समिति व वन विभाग के तहत कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर बिलासपुर के लखनपुर स्थित कार्यालय के प्रांगण में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि वह एकीकृत विकास परियोजना में कार्यरत हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 25 से 30 साल का लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी वे अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। उनका कहना है कि सरकार और विभाग उनके भविष्य को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में मर्डर का मामला आया सामने। मामले में पुलिस ने मां बेटे सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। श्री नैना देवी जी की समीपर्वती पंचायत बस्ती के नजदीक गांव ढोला में एक ही परिवार के 2 गुटों के बीच हुई जमीनी विवाद को लेकर कुल्हाड़ी चली और हमले में 62 वर्षीय देशराज सुपुत्र भगवान राम की मृत्यु हुई। घटना शनिवार की है। पहले जमीनी विवाद को लेकर थोड़ी बहस हुई, देखते ही देखते एक दूसरे पर तेज हथियारों से हमला हो गया। विवाद में भगवान राम को कुल्हाड़ी के प्रहार से गहरी चोटें आई है। घायल अवस्था में देशराज को पहले समीपर्वती पंजाब के शहर आनंदपुर साहिब ले जाया गया, जहां हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने देशराज को पीजीआई रेफर कर दिया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। कुल्लू पहुंचे हिमाचल कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष प्रणय प्रताप सिंह ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कुल्लू जिला में निजी अस्पताल को सरकारी भूमि दिए जाने के मामले में अब कांग्रेस विधि विभाग आरटीआई का सहारा लेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि नियमों को ताक पर रखकर निजी अस्पताल को भूमि देने के मामले में भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में कांग्रेस विधि विभाग कार्यकर्ताओं का भी गठन करेगा। बिलासपुर के झंडूता केशवानंद निवासी देहर ने पुलिस अधीक्षक एसआर राणा से उनकी बेटी प्रियंका की हत्या की फिर से छानबीन करने तथा उसके पति सास व 2 नौकरों को भी गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक एसआर राणा को ज्ञापन सौंपते हुए केशवानंद ने कहा है कि उनकी बेटी प्रियंका का विवाह रामनंद ओहर के साथ हुआ था। उन्हें मोबाइल फोन पर उनकी बेटी द्वारा खुदकुशी करने के बारे में बताया गया था। केशवानंद ने बताया कि जब पता चलने पर प्रियंका के घर गई तो उसका शव पुलिस के आने से पहले नीचे उतार दिया गया था।
देश में कोरोना का डर फिर से बढ़ा। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और केरल में पाए गए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2000 के पार नए केस मिले। बता दें कि रूस यूक्रेन जंग थमने के आसार नहीं दिख रहे हैं। इसके साथ ही दुनिया में खाद्यान्न संकट यानी फूड क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन और रूस दोनों ही फूड का एक बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट करते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हिमाचल। नमस्कार।